जो भाग दो है इसमें हम जानेंगे कि एग्ज़ाम एंजाइटी जो है वो किस तरह से आपको प्रभावित करती है। अभी तक हमने जाना कि परीक्षा से संबंधित तनाव क्या होता है, लेकिन अब यह आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जिन्हें कि हम आँखों से देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक पसीना आने लगता है या सर में दर्द होने लगता है या मुंह या गला सूखने लगता है, आपकी आवाज़ बैठने लगती है, आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि गला सूख गया, आवाज़ नहीं निकल रही है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, कई बार दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती हैं कि आपको कानों में भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देने लगती है, मसल टेंशन यानी कि मांसपेशियों में तनाव होता है, आपको लगता है कि आपके शरीर जो है वो हाथ पांव जो है वो अकड़ रहे हैं, तनाव महसूस होता है, क्योंकि सांस लेने की गति भी बढ़ जाती है, डर लगने लगता है, ऐसी स्थिति में सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है, शरीर जो है वो एकदम ठंडा होने लगता है और शारीरिक तापमान भी कम हो जाता है। बच्चों हम सभी के शरीर का एक निश्चित तापमान होता है, लेकिन जब हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, जब हमें एंजाइटी होती है, ऐसी स्थिति में हमारा शारीरिक तापमान जो है वो सामान्य से कम हो जाता है। साथ ही साथ जी मिचलाना, पेट में गड़बड़ या ऐठन, इस प्रकार के भी सिम्टम्स होते हैं जो अक्सर बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हमारे फिजिकल सिम्टम्स हैं, यानी कि शारीरिक लक्षण हैं जो कि चिंताग्रस्त होने पर, खासकर एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम एंजाइटी होने पर दिखाई देते हैं। इसके साथ ही कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी होते हैं, यानी कि भावनात्मक लक्षण भी होते हैं जो कि हमारी भावनाओं से रिलेटेड संबंधित होते हैं, जैसे अत्यधिक डर लगना या निराशा हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना। निराशा का मतलब है कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, इस प्रकार की विचार आने लगते हैं। अवसाद या डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब बच्चों ये है कि ऐसा लगने लगता है दुनिया बेकार है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो ये जो नेगेटिविटी हो जाती है उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। कई बार क्या होता है, इमोशनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई बार बच्चे अत्यधिक गुस्सा करने लगते हैं, कई बार बहुत रोने या बहुत हंसने लगते हैं, या कई बार छोटी छोटी बातों में उनको रोना आ जाता है, या बिना बात के ज़्यादा हंसने लगते हैं, अपनी इमोशंस को छुपाने लगते हैं, कई बार निसहाय सा, बेबस सा या लाचार सा महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि अब स्थिति उनके कंट्रोल में नहीं है, यानी अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कई बार नकारात्मकता बहुत बढ़ जाती है, यानी कि नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। नेगेटिविटी का मतलब बच्चों ये है कि जो भी आप कर रहे हैं आप उसका सकारात्मक पक्ष तो देख ही नहीं पाते, हर उस चीज़ में आपको जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसी चीज़ों को आप देख पाते हैं और उन्हीं पर आप फोकस करते हैं, तो हमेशा ही आप नकारात्मक विचार भी अपने दिमाग में लाते हैं और स्वयं के बारे में भी नकारात्मक बातें करने लगते हैं, यानी कि आपको अपने बारे में भी ऐसा लगता है कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका भविष्य भी अंधकार में है, आप किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये हमारी भावनाओं से उपजे होते हैं और ये सारे भावनात्मक लक्षण हैं जो परीक्षा के तनाव को दर्शाते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही कुछ कॉग्निटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिनको कि हम संज्ञानात्मक प्रभाव कहते हैं। ये संज्ञानात्मक प्रभाव जो होते हैं ये तुरंत दिखाई नहीं देते, जिस प्रकार के शारीरिक लक्षण होते हैं जो तुरंत हमको दिखाई देते हैं, लेकिन ये संज्ञानात्मक प्रभाव जो होते हैं ये हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव डालते हैं और इनका प्रभाव जो होता है वो दीर्घकालीन होता है, यानी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देते हैं, यानी आपको कंसंट्रेट करने में यानी ध्यान केंद्रित करने में परेशानी या कठिनाई होने लगती है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगा पाते और ऐसी स्थिति में बहुत देर पढ़ने के बाद भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। विचारों में चंचलता यानी मन जो है वो भटकने लगता है, आसानी से भटकाव या डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में, आपके दिमाग में बहुत सारे विचार उथल पुथल होते रहते हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और आप आसानी से भटक जाते हैं और इस तरीके से आप पढ़ाई नहीं कर पाते और फोकस नहीं कर पाते। बचना एवं टाल मटोल करना, इसे हम प्रोकेस्टिनेशन कहते हैं, यानी हर चीज़ को कल पर टाल देना। यानी जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या सोचते भी हैं तो आपको लगता है कि आज नहीं, चलो कल पढ़ लेंगे,
कुछ नोट्स बनाना है तो आज नहीं, चलो कल कर लेंगे। तो जब हम ये कल पर टालते हैं, टाल मटोल करते हैं, क्योंकि हमें अंदर से मन ही नहीं कर रहा करने का, तो इस तरीके से कल पर टालते टालते एक दिन परीक्षा का समय भी आ ही जाता है और उस वक्त तक भी हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। बच्चों, इसके साथ ही भुलक्कड़पन यानी कि भूल जाना ये भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार से एग्ज़ाम टाइम में आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके अच्छे से समझते हैं, उसको याद करते हैं, और परीक्षा जब होती है, प्रश्न पत्र जब आप देखते हैं, तो जो भी आपने पढ़ा था वो आपको याद आता है और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिख देते हैं। लेकिन जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो जो भी आपने पढ़ा वो आप समय पर याद नहीं कर पाते और वो चीज़ भूल जाते हैं। और जब आप भूल जाते हैं तो इसके फलस्वरूप आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यानी आपको कुंठा एवं निराशा होने लगती है। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार से जो एग्ज़ाम एंग्जाइटी है, ना सिर्फ हमें शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक रूप से भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। तो बच्चों, चलिए चलते हैं सत्र के भाग 3 की ओर।